सिटी विक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। दिल्ली रोड के ऊपर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर दो छात्र गुटों के अंदर आपसी में झगड़ा हो चुका है। हालांकि बताया जा रहा है कि कॉलेज कैंटीन के बिल्कुल साथ के अंदर दो छात्र गुटों के अंदर झगड़ा होता है। अभी जो है पता ये भी लग रहा है कि चाकू छुरी निकाल करके एक 20 से 21 साल के छात्र के ऊपर वार कर दिया गया है, जिसे अभी अभी अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। वही अगर बात की जाए उस छात्र की तो पता ये भी चल रहा है जानकारी के अनुसार कि कॉलेज की कैंटीन के पास जो है वो छात्र खड़ा था और जैसे ही एकदम से भीड़ इकट्ठी हुई तो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के वहां जाने के बाद जैसे ही उनको पकड़ने की कोशिशें की जाती है तो पता चलता है कि चाकू और छुरी निकाल करके उससे ECE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर के छात्र के पेट के अंदर वो चाकू मार दिया जाता है और दूसरे छात्र के हाथों के ऊपर हमला किया जाता है। और जैसे ही पता लगता है कि इतना ज़्यादा हमला हो चुका है, खून जो है बेहद ज़्यादा निकल चुका है, तो वैसे ही गमछा लगा करके उसको रोकने की कोशिश की जाती है। और वो जो छात्र थे जिन्होंने हमला किया था वो पता नहीं लग पा रहे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के ही छात्र थे या फिर कहीं बाहर से आए थे, आउटसाइडर थे, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ने उनको पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन वो एकदम से फरार हो चुके हैं। अभी उन बच्चों को हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर ले जाया गया, तो चलिए वहीं जा करके देखते हैं कि कितनी जो है चोटें लगी हैं, क्या आपसी रंजिश का मामला था या किस वजह से फर्स्ट ईयर के बच्चे के ऊपर चाकू छुरी से उसके पेट के ऊपर हमला कर दिया गया है। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। जिस छात्र के चोट लगी है इस वक्त वो हमारे साथ सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद है, एक्सरे हो चुका है, गंभीर चोटें दिखाई दे रही हैं। पूछने की कोशिश करते हैं कि पूरी वारदात क्या हुई थी, बताइए आपके साथ क्या हुआ था, क्या आप जानते हैं जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया? ना जी, नहीं जानते हैं। तो अचानक से आप लोग उनके साथ झगड़ने कैसे लगे? पता नहीं, कॉलेज में जाकर कैंटीन के पास खड़ा हुआ था और तभी पीछे से आकर ये घटना हो गई। अच्छा, तो क्या आप लोगों की पहले से रंजिश चल रही थी कोई? ना जी, ना। पता चल रहा स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर के आप लोगों के बीच में पहले से रंजिश थी? ना जी, ना। क्या कोई कौन थे? पता नहीं जी। कितने जने थे? 4 या 5 थे। क्या मरा? पता नहीं, पीछे से हुआ था, जो भी हुआ था। आप अकेले पे हमला हुआ है, किसी और पे भी हुआ है? पता ही नहीं जी, मैं तो बड़े बेहोश हो गए। क्योंकि 3 बताई जा रही हैं जो इंजर्ड हैं, आपके साथ है कोई और इंजर्ड? मैं तो अभी फिलहाल एक लाइन। क्या नाम आपका? करण। इनके भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अब मुझे ये बताइए कि आपको कितनी जानकारी है, क्या हुआ है इनके साथ? कुछ अज्ञात युवकों ने इसके ऊपर हमला कर दिया कॉलेज में, पॉलिटेक्निकल में। मुझे अभी फोन आया था, फोन से सूचित किया गया था। तो क्या आप लोग जानते थे उनको? नहीं जानते थे। किस चीज से? नकली चीज थी कुछ। नकली चीज है, आप लोग देख सकते हैं। क्या पेट के अलावा भी कहीं और हमला किया गया? नहीं, पेट पर लग गया। कितने युवक थे जिनके ऊपर हमला हुआ है? 4-5 युवक थे जिन्होंने हमला किया। नहीं, जिनके ऊपर हमला हुआ है वो कितने युवक थे? एक तो ये और दो और थे, वो चले गए, उनका नहीं पता। अच्छा, उनके कहाँ पर चोटें लगी हैं? उनके एक के तो उंगली पे लगी थी और एक का पता नहीं कितना। दोनों तीनों जो है कॉलेज के अंदर ही पढ़ते थे या आउटसाइडर थे? तीनों कॉलेज के अंदर पढ़ते थे। और जिन्होंने वार किया है वो आउटसाइडर थे या कॉलेज के? आउटसाइडर बताए जा रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर के पता लग रहा है कुछ, ये हमला हुआ है क्या कुछ ऐसा था पॉलिटिकली, क्या ये एक्टिव थे? नहीं, कुछ भी नहीं था। अच्छा, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे? पार्टी में कुछ लेना देना नहीं इनका। अच्छा, तो क्या और पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन को भी सूचित नहीं किया गया। अच्छा, कॉलेज की तरफ से मुद्दे को दबाने की कोशिशें की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि गलती किसकी है? गलती कॉलेज प्रशासन की है, कॉलेज पूछा नहीं यहाँ पे, और हम ले उठा के लेके आए इसको कॉलेज से भी। लेकिन लेक्चरर्स का कहना है कि हम उठा के लेकर के आए हैं बच्चे को यहाँ। वहाँ कॉलेज में CCTV फुटेज में देख लिया जाए ये बात तो। अच्छा, CCTV फुटेज निकलवाने की कोशिश की है क्या आपने? करी तो थी, पर निकलवा जाएगी, निकल जाएगी इसके तो माता पिता ने ही बात। अच्छा, ठीक है, तो अभी इन्फॉर्म कर दिया है घर पे? हाँ। कहाँ का रहने वाला है ये? तो मुंडाल का। कितने साल की उम्र है? 19 साल। 19 साल। कॉलेज प्रशासन तो कह रहे हैं कि 20-21 साल है। 19 साल ही है बस। और इनके पास कोई आई कार्ड भी नहीं मिला?
ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए इस छात्र को ले जाया जा रहा है, हालांकि पता नहीं चल पा रहा है कि गलती किसकी है, पुलिस प्रशासन की गलती है या किसी और चीज़ की, किसी और की गलती है, क्योंकि ऐसे कोई भी कॉलेज के अंदर आकर के हमला नहीं करता है। पता चल रहा है कि एक गुट ने दूसरे गुट के ऊपर हमला किया है। कही सुनाई बातें बहुत ज़्यादा निकल करके आ रही है। कोई कह रहे हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का चक्कर था, तो कोई कह रहे हैं कि किसी और वजह से हमला किया गया। हालांकि हम लोग शक के आधार के ऊपर कोई भी गवाही नहीं दे सकते हैं जब तक विक्टिम खुद आगे सामने आकर के नहीं बोल रहा या पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट नहीं आती है। लेकिन ऐसी वारदातें लगातार हिसार के कॉलेजेस के अंदर बढ़ती जा रही है। कहाँ है सिक्योरिटी गार्ड, कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ है लेक्चरर और कहाँ है अपने जो सिक्योरिटी के अंदर तैनात रहते हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि 3 छात्रों को चोट लगी है। एक छात्र के पेट के अंदर तेज धार चाकू से हमला किया गया है, तो वहीं दूसरे छात्र के हाथ के ऊपर हमला किया गया है, और जो तीसरा छात्र है उसकी जानकारी नहीं है हमें कि उसके ऊपर हमला करने के बाद उसे चोट लगी है नहीं लगी, लेकिन वो दोनों छात्र फरार हो चुके हैं ताकि घर के अंदर पता ना लगे, घर के अंदर जो है उनकी पहचान ना की जा सके। और ये तीसरा जो छात्र है इसने भी अभी तक जो है अपने घर के अंदर इन्फॉर्म नहीं किया है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि हॉस्पिटल की तरफ से और जो उनके भाई है वो आ चुके हैं, उनकी तरफ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल ये है कॉलेज के ऊपर कि कैसे जो है इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, एंड बकायदा हम लोग जब कॉलेज के अंदर गए तो एंट्री करवाई गई, न्यूज़ के होने के बावजूद, मीडिया से होने के बावजूद, पुलिस आने के बावजूद एंट्री करवाई जा रही है, लेकिन जब छात्र अंदर घुसते हैं तब कोई एंट्री नहीं होती, सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जीरो है। एक बार सामने की तरफ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, और आउटसाइडर जो है बिना ऑर्डर्स के कैसे एंट्री कर सकते हैं, बिना जो है एंट्री किए हुए कैसे कॉलेज के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि हर बार पुलिस प्रशासन और सिक्योरिटी गार्ड कॉलेज के कहते हैं कि बिना एंट्री हम किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। बकायदा 2 गेट बनाए हुए होते हैं कॉलेज के, एक तो छोटा गेट बनाया हुआ होता है, एक बड़ा गेट बनाया हुआ होता है ताकि कोई वाहन यहाँ से निकल ना जाए एकदम से, जिसकी वजह से वो बड़ा गेट अक्सर बंद रखा जाता है और स्टूडेंट्स के आने जाने के लिए छोटा गेट रखा जाता है, जैसा कि तस्वीरों के अंदर आपने शुरुआत के अंदर देखा भी था। लेकिन अभी तक रीज़न पता नहीं चल पाया है, क्योंकि कुछ छात्रों की तरफ से ये भी बताया गया कॉलेज के अंदर कि इनकी पहले से ही रंजिश चल रही थी, कुछ की तरफ से जो है कई सारी बातें निकल कर के आ रही है जो कैमरे के ऊपर मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। खैर, आपको क्या लगता है कि कॉलेज के अंदर अब बच्चा भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये आज जिस छात्र के ऊपर हमला हुआ है ये सिर्फ 19 साल का है, फर्स्ट ईयर का छात्र है, इलेक्ट्रॉनिक्स का छात्र है जिसके ऊपर हमला हुआ है। अगर पहले साल के छात्र के ऊपर हमला होने लगेगा तो आगे देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के अंदर आते आते उनका क्या हाल हो जाएगा। बच्चे अपना करियर बनाने के लिए कॉलेज के अंदर आते हैं, लेकिन ये तो गुंडागर्दी का शिकार हो रहे हैं। खैर, हम ना तो जिसको चोट लगी है उसको सही बता रहे हैं, ना ही जिन्होंने इसको मारा है उसको सही बता रहे हैं, क्योंकि कुछ और भी खबरें मिल रही हैं कि पहले भी ऐसे हमले हो चुके हैं, पहले भी ऐसी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं इन्हीं 2 छात्र गुटों के बीच के अंदर। खैर, जो भी अपडेट होगी इस मामले को लेकर के वो आपको देते रहेंगे, और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिए कैसे जो है कॉलेज की सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सकता है, टाइट किया जा सकता है, ताकि इन बच्चों की नादानी की गलतियों का शिकार इनके पेरेंट्स ना हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट है हिसार के सिविल अस्पताल से। नमस्कार।